हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हूँ अच्छे हों। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम एक रेसिपी आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ, तो बने रहिएगा हमारे वीडियो में एंड तक। तो आज हम आप लोगों से बैंगन की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। एकदम आसान है, एकदम नई तरीका है बिल्कुल। तो हमने अच्छे से इसको कट कर लिया है, वॉश कर लिया है। तो चलिए, यहाँ पर कढ़ाई चढ़ाए हुए हैं, तो हम तेल डाल रहे हैं। इसमें हमारा तेल गरम हो चुका है, तो इसमें हम डाल देते हैं। इसको अच्छे से हम फ्राई होने देते हैं 5 मिनट तक। तो ये फ्राई हो चुका है, इसको हम निकाल देते हैं। तो हम आलू को भी फ्राई कर लेते हैं। तो हमारा तेल गरम हो चुका है, इसमें हम सौंफ डाल देते हैं, 1 चम्मच जीरा डाल देते हैं, इसमें अजवाइन और मेथी डाल देते हैं। मैंने 2 पोटी प्याज कट करके रखी थी, इसको ना मैं 5 मिनट तक लाल होने देते हैं। मैं 2 ठो मिर्ची भी डाल देती हूँ। तो ना हमारा प्याज देखिए लाल हो चुका है, तो हम अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच डाल देते हैं। इसमें थोड़ा सा पानी डाल रहे हैं, 1 चम्मच हल्दी डाल रहे हैं, 1 चम्मच धनिया, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा डाल रहे हैं, खीटा मुझे हम लोग नहीं खाते हैं। थोड़ी सी मैं गोलकी पाउडर डाल रही हूँ। एक चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ, आप अपने अनुसार नमक डाल दीजिएगा। तो हमारा मसाला भुना चुका है, अब हम टमाटर को इसमें डाल देते हैं। तो बैंगन को भी डाल देते हैं इसी में। अपने आलू को भी अब डाल देते हैं। सारे को हम मिक्स करके, ये कस चुका है, इसमें थोड़ा सा मैं आधा गिलास पानी डाल रहे हैं गलने के लिए सिर्फ। बाकी गल चुके हैं ये तेल ही में, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा पानी डाल रहे हैं, आधा गिलास पानी डाल रहे हैं। देखिए इसको ढक देते हैं, इसको ढक दिया। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा सब्जी तैयार हो चुका है, एकदम बेहतरीन आलू सब्जी बैंगन का। तो ये देखिए एकदम कैसी लगी हमारी ये रेसिपी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी नए हैं चैनल पर, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारी चैनल रेशमा जी के ब्लॉग को। तो वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।